हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हम कोटिया पहुँच चुके हैं, रात को देर से पहुँचे थे, 8 बजे पहुँच चुके थे। अभी नाश्ता कर लिया है, रात को जल्दी सो गए थे थकावट की वजह से, अभी उठ गए हैं, नाश्ता भी कर लिया है, फ्रेश भी हो गए हैं। अभी हम ज़्यारत के लिए निकलेंगे, आपसे हर चीज़ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। भाई अभी पंप खड़े हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं। जुल्फकार भाई भी, आज भाई भी साथ है। अब ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं इंशाल्लाह। अब ज़ियारत का सफ़र करेंगे, कोटिया शहर आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। थोड़ी देर में निकलेंगे पेट्रोल भरवा के, पेट्रोल फुल करवा लेंगे, फिर ज़ियारत के लिए निकलेंगे हम अभी। वही क्या ले आए भाई, स्टिंग ले आए क्या? अच्छा, लेके लिए रेड बुल लेके एक लिया है, सारे ले नहीं, तो आपके लिए स्टिंग है ना। सही सही, मैंने अपने लिए। कल हम तलार से अपने गांव से निकले थे, सुबह 6 बजे निकले थे, 7 बजे तक करीबन निकले थे। अभी यहाँ हम रात को पहुँचे थे, 8 बजे पहुँच गए थे कोटिया शहर में। फिर खाना के खाया, फिर सो गए थे हम, पूरा थक कर आए थे। फिर अभी सुबह 8 बजे उठे थे, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फ्रेश होके अभी निकले हैं ज़ियारत के लिए। अभी हम जाएंगे ज़ियारत, आपको दिखाएंगे ज़ियारत पूरा। बहुत ही खूबसूरत शहर है ज़ियारत। कोटिया भी बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। कोटिया मतलब के पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। पंप पर खड़े हैं पेट्रोल के लिए, अभी मार्ट में आए हैं, मार्ट में कुछ लेंगे, फिर ज़ियारत के लिए निकलेंगे। शुगर फ्री रानी पड़ा है, अदा तुम क्या पियोगे? रानी, लेकिन मैं सेवन पियोगे यार, सेवन। ये वाला तो नहीं है। मेरी के गिलाऊं अलग पे जो रस्ता
किरो लाग कौन सा लाग है चिलाक 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 ये भी बहुत प्यारा है आवाज आवाज दोस्तों ज़ियाद के लिए हम निकले हैं रास्ते में, लेकिन यहाँ रास्ता बंद है, ब्लॉक कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब आए हुए हैं तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक है। अभी हम खड़े हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ। यहाँ आगे रास्ता बंद पड़ा है, इलाका पता नहीं कौन सा है, लेकिन ज़्यारत अभी भी 70 किलोमीटर है अभी भी आगे। पूरा पहाड़ी पहाड़ है यहाँ हर तरफ, बहुत ही अच्छा इलाका है। कोयटा बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ रोड बंद है, सिग्नल भी नहीं है यहाँ। ये बंदा हमारा गया है ऊपर ऊपर, सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल पर बात करने के लिए गया है बंदा, ये देख रहे हैं आप। लेकिन मेरे ख्याल में बंदा तो परेशान लग रहा है, यहाँ भी सिग्नल नहीं है। परेशान हो गए, रोड रास्ता ब्लॉक कह रहे हैं 6 बजे खुलेगा, अभी तो 12 बज रहे हैं। वज़ीर आला आ रहा है पंजाब का, कोई उस वजह से बंद है, तो सारे लोग यहाँ खड़े हैं बैठे हैं, फैमिली साथ हैं किसी के, कोई अकेला। कोयटा का पूरा इलाका, हर जगह पहाड़ी पहाड़ है, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है। आप ये देख रहे बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ भी कुछ रेत की तरह है, कुछ मिट्टी की तरह, कुछ जाबलू जैसे होते हैं ना, ऐसे हैं, एक जैसे नहीं है। ये आप देख रहे हैं, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है, हर जगह पहाड़ी पहाड़। रास्ता ब्लॉक है, ब्लॉक होने की वजह से हम खड़े हैं इधर। यार वो कह रहे हैं कि 6 बजे रास्ता खुलेगा, जैसे ही रास्ता खुलेगा फिर निकलेंगे ज़ियारत के लिए। यार ट्रैवल में ऐसे मसाइल बहुत आते हैं, मसाइल तो मुंह देना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, 5-6 घंटे सफ़र कर लेंगे, या जैसे ही रास्ता खुलेगा आगे चल लेंगे। मशवरा कर ले रहे हैं, देखते हैं कोयटा वापस जाएंगे, 5-6 घंटा अभी कौन सब्र करे, अभी चले जाएंगे कोयटा। मशवरा चल कर रहे हैं सारे दोस्त। ट्रेवल के दौरान ये मसले पेश आते हैं, कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, कहीं रोड ब्लॉक होता है, तो ऐसे हज़ारों मसले आते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। तो वीडियो ही बनाएंगे, आपको पहाड़ भी दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी जा रही है सारे, लेकिन पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, ये बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, ये आप देख रहे हैं, ये घर बने हुए हैं, बैठक बनी हुई है किसी का। अभी जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, इजाज़त मिल गई है, बोला है कि सिंध से आए हुए हैं,
इनके मेहमान हैं, हमें छोड़े जाके, अभी छोड़ा है कहा आप लोग उस तरफ चले जाओ पैदल, गाड़ी हम छोड़ते हैं। इस रास्ते से हम जाएंगे, जैसे ही गाड़ी आएगी वो आप देख रहे हैं आगे से वो गाड़ी आ रही है, आगे से बंद है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कोटिया के शहर ज़ियारत पहुँच चुके हैं, अब जा रहे हैं फ्रूट के बागात में, आपको दिखाएंगे फ्रूट के बागात। दोस्तों आज आप हम दिखाएंगे बागात सेफ। वो नीचे वाले वो बिचारी के साथ जी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे बागात, फ्रूट का बागात। आइए फिर देखते हैं। ये आप देख रहे हैं सेब, ये सेब देख रहे हैं आप, ये फ्रूट का बागात है। आज हम आए हुए हैं ज़ियारत, ज़ियारत के शहर पशीन में। पशीन नाम है, क्या नाम है शहर का? पशीन। हाँ पशीन, चीना, चीना गांव का नाम है। गांव का नाम चीना है जी हाँ। अच्छा, ये फ्रूट का बागात आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे बागात हैं यहाँ, बड़े बड़े बागात हैं। ज़ियारत मशहूर है वैसे भी बागात के हिसाब से, फल के नाम से मशहूर है ये। पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सेब जाते हैं। सेब है, चेरी है, लेकिन चेरी कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया था, अभी सेब का मौसम चल रहा है। और भी आपको देखेंगे, बादाम भी है, अनार भी है, और बहुत कुछ यहाँ है। दोस्तों कोटा को फलों का शहर भी कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं बागात, फ्रूट के बागात हैं ये। ये दूसरा फल है, ये देखो शाहजान, क्या बोलते शहदूद। ये शहदूद का फल है, ये आप देख रहे हैं, छोटा है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा है।
ये सेफ है, बड़े बड़े बाघ आते हैं यहाँ। दोस्तों अब ये देख रहे हैं फ्रूट के बागात में आए हुए हम। ये सेफ का है, ये आप देख रहे हैं सेफ मेरे पीछे, बहुत ही अच्छा। ये जा रहा है वजीर आला, रोड ब्लॉक कर दिया था उन्होंने हमारे इसकी वजह से। दोस्तों ये सेफ के साथ चीरमानी का बाग है, आगे चलने। माशाल्लाह बहुत ही बड़े बाग आते हैं। ये आगे चल रहे हैं चीरमानी आप देख रहे हैं, जिसको हम बादाम भी बोलते हैं। ये दोस्त खा रहे हैं मजे से। ओ क्या है, ये बादाम है, बादाम ये दिन। वाओ ताला फल। ये जुल्फी चेरी। आपके पास क्या है सदाकत भाई? चेरी जानी। चेरी है ये जब सीजन खत्म होता है ये सूख जाती है, इसको चेरी बोलते हैं। अच्छा, और ये आप क्या खा रहे हैं दूसरा? ये हम कुर्बानी खा रहे हैं ताजी यहाँ से निकाल के। अच्छा, और VIP टेस्ट माशाल्लाह बहुत मीठी। हमारे पास तो सिंध में अब पंजाब में दवाई वाली पहुँचती है, ये हम फ्रेश खा रहे हैं। हमारे पास तो देर से पहुँचती है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। ये लड़ी दिखाए आप हमारे फ्रेंड को। दोस्तों ये आप देख रहे हैं बादाम, जिसको हम बादाम बोलते हैं सिंध में। तो वैसे ये इसका नाम खुरमानी है, वैसे इसका नाम खुरमानी है। इसको आप बंद करो, दो चार तस्वीरें कर लेंगे खाली में। दोस्तों जिंदगी में पहले बार हम ताज़ा फल खा रहे हैं, कभी हमने ताज़ा फल नहीं खाया, आज हम ताज़ा फल खा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सेफ है इस तरफ। अब जिंदगी में पहली बार इन्होंने हम पे भरोसा किया और हमारे साथ चले हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भाई, जिंदगी में पहली बार हम फ्रेश खा रहे हैं। फ्रेश क्या बोलते हैं, फ्रूट लेकिन। और माशाल्लाह VIP एंजॉय हो रहा है। ये हमारे आजाद तलवानी साहब हैं। चलो टेस्ट करके देखो ये क्या है। टेस्ट करने वाला जुल्फकार भाई, आलू बुखारा ये होता है। आलू बुखारा भाई, आलू बुखारा बोलते हैं। आलू बुखारा ये। और ये भी फ्रेश, ये अभी जब साफ होगा। अच्छा, तो इसका कलर आप ऐसा देखते होंगे। वाह वाह, ये आलू बुखारा का दरख्त देखते हैं। ये आलू बुखारा आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बागात हैं यहाँ के। कोटिया इस हिसाब से भी मशहूर है, फलों के नाम से भी ये जाना जाता है कोटिया। बड़े बड़े बागात हैं फ्रूट के यहाँ, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये भी कमाल है। ये क्या है सदाकत भाई? सर ये भी खुबानी है, लेकिन ये खुबानी की दूसरी किस्म है। अच्छा, ये जो अभी खा रहे थे हम, माशाल्लाह वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये उससे ज्यादा मीठी होती है। ऊपर से पक्का पकाता है ये। आप क्या खा के? ये आलू बुखारा है, ब्लैक अंबर इसको बोलते हैं। अच्छा, बेटा मिठो है ये। ऐसी चीज कभी देखी है जिंदगी में? ये क्या है, ऐसा नजारा कभी देखा है पूरी जिंदगी में? नहीं है ऐसा नजारा। ये बैठक है या इसमें कोई मिशन लगी हुई? दोस्तों फ्रूट का बागात घूम कर आ गए हैं, अब बैठे हुए हैं, चाय भी आ गई है, रिफ्रेशमेंट भी करेंगे, थोड़ा थकावट भी है, थोड़ा आराम भी करेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।